हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल कृति फैशन डिजाइनर। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में आस्तीन का डिज़ाइन लेकर आए हैं। तो आज के वीडियो में आप देखेंगे दो आस्तीन के डिज़ाइन। तो ये हमारा पहला आस्तीन का डिज़ाइन, जिसकी लंबाई हमने रखी है 6 इंच, और ये लिया इस वाली तरफ से हमने लिया 3 इंच 2 बाइंड, और इस तरह से आर्म होल की गोलाई दे दी। अब यहीं से इसे कट कर लेना है। इस तरह हमें सिंपल स्लिप कट कर लेनी है। और ये जो कपड़ा लिया है, देखिए इस तरह इसकी लंबाई ली है, और यहाँ पर हमने 4 इंच पर मार्क किया है, डबल फोल्ड करके लिया है। और फिर इसको फैला लेंगे, और इस तरह से हमें 1 इंच की चुन्नट इस पर डालनी है। एक देखिए, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ करेंगे, और 1 इंच पर एक नीचे की तरफ। तो इसी तरह से हमें ये चुन्नटें डाल लेनी है। तो वीडियो को ध्यान से देखें, लास्ट तक देखें। दो आस्तीन के डिजाइंस इस वीडियो में बताएंगे। तो दोनों ही डिजाइंस आप देखें और अच्छे से देखें, तो डिजाइनें अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए इस तरह से हमें चुन्नटें 1-1 इंच पर डाल लेनी है। अब ये सारी चुन्नटें पर हमने प्रेस लगा दिया है। प्रेस लगाने के बाद देखिए इस तरह से 2.5 इंच नीचे से छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए इस तरह से इसको दोनों तरफ इसका पकड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगाना है, और फिर एक मोती लगानी है। अब देखिए यहाँ पर धागे को निकालेंगे, और इसका दोनों तरफ पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हमें एक मोती इस पर लगा लेनी है। तो ये मोती लगाएंगे, तो इसी तरह जैसा आप देख रहे हैं, इसी तरह से पूरी डिजाइन हमें बनानी है। एक मोतियाँ लगाएंगे, पहले अच्छे से इसको धागे से बांधना है, फिर एक मोती लगानी है। इसी तरह देखिए इन डिजाइनों को भी हमने देखिए पूरा कर लिया है। अब ऊपर से चुन्नटों पर सिलाई लगाएंगे। अब लंबाई इसकी देखिए हमने जो है 6 इंच रखी है। अगर आप लंबाई थोड़ा बढ़ा कर रखना चाहते हैं तो बड़ी भी बना सकते हैं। अब सभी चुन्नटों पर इस तरफ से देखिए इस साइड से हमने सिलाई लगा दी। तो इस तरह हमारी ये डिजाइंस बनकर आएगी। अब देखिए अस्तर वाले कपड़े पर जो हमने सिंपल स्लिप कट की थी, अब इस पर वहीं से कपड़े पर इसको लगा लेना है। नीचे इस पर बॉर्डर लगेगा, और नीचे वाली तरफ से इस तरह से अस्तर पर सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ से भी हमें सिलाइयाँ लगा देनी हैं। सिलाई लगाने के बाद देखिए जो कपड़े पर भी इसी के साइज का हमें कट कर लेना है। अब तो ये कट कर लिया। बहुत ही आसान सी ये डिजाइन है, और बहुत ही देखिए अब यहाँ पर बॉर्डर लगाएंगे। बनाना भी इसे बहुत इजी है, और इस तरह से अब लास्ट में इसका बॉर्डर लगेगा। डिजाइन सब कंप्लीट है। अगर आप बॉर्डर नहीं लगाना चाहते तो नीचे पट्टी लगा सकते हैं कपड़े की। तो ये हमने बॉर्डर लगा दिया, ये हमारी डिजाइन तैयार हुई। अब दूसरी डिजाइन जो लेकर आए हैं उसको बनाना बताएंगे। तो देखिए ये डिजाइन हमारी पूरी तरह से तैयार हो गई है। अब दूसरी डिजाइन देखिए बनाना बताएंगे। उसके लिए हमने इस तरह से कपड़ा ले रखा है, 8 इंच लंबाई इसकी ली है। अब यहाँ से लिया 3 इंच पर मार्क किया। अब इसको कट करना है, तो इस तरह से इसको कट करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह दोनों पार्ट कट कर लेने हैं, अस्तर और कपड़े दोनों के। अब लेना है 1 इंच, और 1 इंच लिया, फिर उसके बाद लिया हमने 2-2 इंच, और नीचे भी 1 इंच छोड़ा, ऊपर भी 1 इंच छोड़ा। ये 3 डिजाइंस के निशान इस तरह से कर लिए। 1-1 इंच पर देखिए हम 2-2 इंच पर देखिए ये डिजाइंस के निशान किया है, और नीचे 1 इंच छोड़ दिया, ऊपर 1 इंच छोड़ दिया। अब इस तरह से सिलाई हमने डाल दी। अब जहाँ से ये डिजाइंस का निशान किया है वहीं से सिलाई इस पर डालते जाना है। तो इस तरह सिलाइयाँ डालेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह ठीक सिलाइयों को डाल लेना है। सिलाइयाँ डालने के बाद इसे कट करना है। तो पूरे पर पहले इस तरह से सिलाई हम लगाएंगे। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब इसको यहाँ से कट करेंगे। तो इस तरह हमें कट करना है सिलाई पूरी होने के बाद। कट करने के बाद इस पर कट्स लगाएंगे। कट्स लगाकर इसको फिर पलटना रहेगा। तो इस तरह देखिए कट्स लगेंगे डिजाइंस के। हर डिजाइंस में 2-2 से कट हमने लगा दिए हैं। अब इसको पलटेंगे इस तरह से। इस तरह से इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद हमें ऊपर से एक सिलाई इस पर लगाते जाना है।
तो ये सिलाई इस तरह से लगाएंगे। तो ये देखिए सिलाई इस तरह से लगा दी है, सभी डिजाइनों पर सिलाई इस तरह लगाई। सिलाई लगाने के बाद अब हमें नीचे की तरफ से भी सिलाइयाँ लगानी हैं। दोनों पर सिलाई लगा देंगे, कपड़े और अस्तर को पकड़ते हुए सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से कुछ सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हमें इस तरह से कपड़ा लेना है। लंबाई इसकी 6.5-7 इंच ले सकते हैं। अब इस पर सिलाई लगाई, इसको पलट लेना है और सिलाई वाला जो कपड़ा है थोड़ा कम ही रखना है ताकि ज़्यादा मोटी ना हो ये पट्टी। अब हमको इस तरह से देखिए इसे पलटने के बाद यहाँ पर सुई और धागे को पक्का कर लेंगे और फिर इस तरह से सुई में छोटी छोटी चुनर देंगे। सिलाई वाली तरफ से पट्टी पर सिलाई वाली तरफ से छोटी छोटी चुनर देते हुए यहाँ पर निकाल लेना है, फिर धागे को टाइट से खींच लेना है। तो इस तरह से ये डिजाइंस बनकर आएगी। टाइट से खींचने के बाद अब लास्ट में दोनों तरफ इसका पकड़कर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह डिजाइंस देखिए हमारी बनकर तैयार आएगी। छोटी सी ये छोटी सी लेंगे, यहाँ पर 3 हमने बना ली है। अगर छोटी रखना है तो पट्टी की चौड़ाई कम रखेंगे और लंबाई कम रखेंगे, छोटी आएगी। और बड़ी रखना है तो पट्टी की लंबाई चौड़ाई ज़्यादा रख लें। अब यहाँ से इसको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद यहीं पर वो डिजाइन जो हमने बना रखी है यहीं पर लगेगी। तो इस तरीके से इसको लगाएंगे। अच्छे से इसको लगाने के बाद इसके ऊपर से एक मोती लगा देंगे। तो ये देखिए हमने डिजाइंस लगा ली है। अब इसके ऊपर से एक मोती लगा देंगे। इसी तरह से दूसरी डिजाइंस भी लगा लेना है। हमने दूसरी डिजाइंस भी लगा ली है। अब ये बॉर्डर लेना है हमें, इसका बॉर्डर लेंगे और इस तरह से ये कपड़े छोटे छोटे से हमने कट कर लिए हैं, 1.5-1.5 इंच के कट किया चौकोर। और अब इस तरह से डिजाइनें फोल्ड करते हुए बनानी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल इस तरह से डिजाइनें अब तैयार कर लेनी है। उसके बाद बॉर्डर के नीचे वाली तरफ से ये डिजाइंस लगाएंगे। इसे लगाने के बाद बॉर्डर को लगाना रहेगा, पहले इस पर डिजाइन जो है उसको पूरी कर लेंगे, उसके बाद इसे लगाएंगे। तो पूरे पर देखिए हमने इस तरह से डिजाइनें लगा ली है। अब एक सिलाई पर और डाल देंगे थोड़ी दूरी से। तो ये सिलाई डाल दी है। अब यहाँ से बॉर्डर को देखिए इस तरह हमें लगाना है। तो ये तैयार जो 9.5 इंच की भी तैयार आएगी इसकी बॉर्डर की भी चौड़ाई। बॉर्डर को हमने देखिए बाहर से लगाया है तो इस तरह इसकी लंबाई आएगी। अब लास्ट वाली डिजाइन हमें ये नीचे लगा देनी है बाद में। तो ये डिजाइन हमारा तैयार हुआ। तो डिजाइन अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक